पापियो कैसे हो तुम लोग। आज की जो हम लोग तो पार्स खेलने जा रहे हैं एसफेल्ट 8। और भाई ये जो गेम है एसफेल्ट का है, आपको ही पता होगा कैसा एसफेल्ट का गेम बनाता है। अगर नहीं पता तो हमने कई सारी वीडियो सीखे बना के रखी हुई है, तो आप वहां जाकर के फटाफट से चेकआउट कर लीजिए कि हम लोग ने मतलब एसफेल्ट की पावर क्या होती है। वैसे हम लोग ने एसफेल्ट 9 पहले हम इसके ऊपर वीडियो बनाते थे, और वैसे बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसके अंदर अच्छे अच्छे मोड्स खेल करके रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे कि हमने वहां पर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फरारी चलाई है और बहुत चीजें किया हुआ, मैं क्या क्या बताऊँ। पर हाँ वैसे एसफेल्ट जेन्युइनली ये बहुत अच्छी कार बनाती है, मतलब कार नहीं कार गेम बनाती है। मैं क्या हो गया, मुझे पता नहीं, कार गेम बनाती है, ठीक है ना भाई। हाँ तो भाई यार वो बहुत अच्छा कार गेम बनाती है। और एसफल्ट इससे भी अभी जल्दी ही हम आपको इसके बड़ा भाई इसके लेकर के आएंगे, जिसको कहते हैं एसफल्ट 9 लेजेंड, जिसके नाम में लेजेंड होगा। सोचो उसके अंदर खेल के कितना ज्यादा मजा आएगा। और गाइस यार आज के जो हम लोग खेलने जा रहे हैं वापस से एसफल्ट 8, और भाई यार देखते हैं अब कितना ज्यादा मजा आएगा इसको खेल करके। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसे मजेदार वीडियो के लिए, और हम लोग से मिलते हैं। वैसे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसे मजेदार वीडियो के लिए, और हम लोग शुरू करते हैं आज के मजेदार वीडियो को। तो वैसे फटाफट से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ कुछ हमने लोग को वाइल्ड कार्ड मिला है भाई, ये कहीं बिग बॉस वाला तो नहीं है? नहीं, भाई एक सेकंड माइक थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि माइक पे थोड़ा सा मेरा जैकेट असर डाल रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। ए एक मिनट एक मिनट, ये क्या था? अच्छा, भाई रहने दो यार। ओ बुगाटी, ये देखो भाई बुगाटी शिरोन, सही है। एसफेल्ट नाइट्रो में आना चाहिए था यार इसको, वरना इसे भी खरीद लेते हम लोग। जस्ट किडिंग गाइस यार। ओके ये कोई विंटेज कार है, जो भी है फोर्ड की वो है। यहाँ पे गाइस काफी सारी गाड़ियां हैं, असल में से सब छोड़िए है ना। हम लोग फटाफट से अपनी ऑडी R8 को लेकर के चलते हैं, है ना। चेक करते हैं गाइस, हमें बहुत चीजें कैसे इसको क्लेम करते फटाफट से। चलो प्ले करते, सीधा 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 प्ले करते हैं, ये सब फालतू चोचलेबाजी हमें नहीं चाहिए। कोई गिफ्ट विफ्ट रखे रहो, क्या करना है। चलो फटाफट से करियर में चलते हैं। कौन सा करियर भेजा, 15 स्टार हुआ है 110 में से। करो ओके ओके, 5 या 15 गाइस, हम लोग यही 15 स्टार करके जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आज चलो डी क्लास खेलते हैं फटाफट से, देखते हैं इस डी क्लास को खेल करके कितना ज्यादा मजा आएगा। और ये RS, चलो स्टार्ट कर देते फटाफट से इसको, कोई इसमें करने वाली बात ही नहीं है फिर। अगर आप लोग नीचे में कमेंट करके बोलते हैं कि गाइस इस भी गेम का सारा हम लोग को मतलब गाड़ियां खरीदने के लिए, अगर कमेंट में आप करते हैं 10 लोग गाइस कमेंट में कमेंट हो गया आ गया कि इस गेम के सारे सारे गाड़ियों को खरीद डालिए, तो गाइस मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस गेम के सारे गाड़ियों को खरीदूंगा, है ना। जैसे मैंने एसपेल नेटवर्क का खरीद रखा था। तो गाइस हम यहाँ चलते हुए आ चुके हैं, और फिर ये है फ्रेंच, क्या लिखा था, जो भी बढ़िया गाइस यार बढ़िया था, चका चक लग रहा है। अब एसफेल्ट का ग्राफिक्स से तो अच्छा तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, बढ़िया। ये अपनी ऑडी, चलो ये खत्म। तो हाँ तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, ये अपनी ऑडी एक सामने एक और ऑडी R8 है, ये ट्रॉन है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो भाग जा भाग जा। तो गाइस ये अपनी इलेक्ट्रिक कार है ना, पहली बात तो बेसिकली मैं बता दूं आपको, ये एक इलेक्ट्रिक कार है। भाग गया यहाँ से, बहुत बढ़िया। तो गाइस इसको ये रहा है ना, सामने अपने दो गाड़ियां हैं और सामने जो तेज चल रही। और भाई यार देखो इलेक्ट्रिक कार को अब आज के टाइम पे इंडिया में बहुत मिसकंसेप्शन किया जाता है। वैसे इलेक्ट्रिक कार को लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि इलेक्ट्रिक कार बहुत बेकार होती हैं और ऐसा वैसा मतलब मजा नहीं देती। भाई यार आप लोगों ने सही से इलेक्ट्रिक कार चलाई करना है ना, इलेक्ट्रिक कार आप लोगों ने सही से मतलब मैंने भी नहीं चलाई, ये बात सही है है ना। लेकिन कहीं सर मैं जितना जानता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक कार का जितना टॉर्क होता है ना, उतना शायद ही कोई पेट्रोल वाली गाड़ी दे पाए, है ना। बहुत मतलब उतने में आपको नॉर्मल सी इलेक्ट्रिक कार में जितना टॉर्क मिल जाएगा उतने, तो अगर उतना जितना टॉर्क लेना पड़ेगा ना उतना, तो आप लोग के मतलब अच्छे अच्छे लोगों की पैंट ढीली पड़ जाए भाई, ढीली नहीं ढीली। और जैसे देखो गाइस मैं एक इलेक्ट्रिक कार के आपको नाम बताऊं, है ना,
वैसे देखो भाई साहब, चलाने में मजा जो आता है वो नो डाउट बहुत ज्यादा आता है इसको, अपने पेट्रोल और मतलब आईसी इंजन वाली गाड़ियों को चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन भाई साहब आप बात मानो, इलेक्ट्रिक कार, अगर आप कोई अच्छी इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं लाइक दैट, जैसे पोर्शे का ये अभी टाइकन वाला है, ये अगर आप ऐसे कोई चलाते हैं तो ये अपने आप अरे भाई ए भाई छपा जाता है यार अभी तक। हाँ तो वैसे बेसिकली हम लोग बताते हैं, हम लोग यहाँ फर्स्ट पोजिशन पे चल रहे हैं। हाँ तो वैसे मैं क्या बता रहा हूँ, पोर्शे का जैसे टाइकन है और फिर ऐसे ऐसे कई सारी उसकी गाड़ियाँ हैं, है ना, उन लोग को इतना क्विक है पूछो मत। और एक गाड़ी अगर आप लोग को लगता है एसयूवी बहुत बोरिंग होती है, कुछ लोग को लगता है एसयूवी बहुत बोरिंग होती है इसका इलेक्ट्रिक एसयूवी, तो वैसे आप कभी अगर हो, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो आप लोग हमर ईवी चलाना भैया, पता चल जाएगा आप लोग को कि कौन कितना बोरिंग होता है। और जो लोग बहुत फॉर्चुनर फॉर्चुनर चलाते रहते हैं ऐसा वैसा, बहुत बहुत लोग हैं, मैं क्या बताऊँ, है ना, उसको भाई जो फॉर्चुनर ज़्यादा करता होगा ना उसको बस इतना बता दो कि हमारी ईवी एक बार अगर कभी चलाने का मौका मिले भाई यार, वो इतनी बल्कि गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी वो 0 to 100 ओनली 3 सेकंड्स में कर लेती है। 1000 Nm ऑफ टॉर्क उसके अंदर होता है भाई, ऐसा मजाक नहीं। और 3 सेकंड के अंदर तुम समझ रहे हो अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स कार नहीं जा पाती, है ना, यही है। तो वैसे यहाँ पे हम लोगों ने जैसा फर्स्ट पोजीशन अचीव कर लिया है, और वैसे काफी मजा आया इस ऑडी इलेक्ट्रॉन मतलब ऑडी ट्रॉन को चला करके। लेकिन गाइजर उतना मतलब ये बात सही है भाई बिल्कुल कि आप आवाज नहीं रहती गाड़ी में, लेकिन हाँ गाइजर अगर आपको गाड़ी में आवाज चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी में आवाज चाहिए तो आप टॉर्च को लेकर जाइए। लेकिन गाइजर मैं इलेक्ट्रिक कार के बारे में इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइजर इलेक्ट्रिक कार इज द फ्यूचर और नॉट फ्यूचर, इलेक्ट्रिक कार इज द प्रेजेंट भाई। हम लोग को जितना तेज से हम लोग इतना ये पाप कर रहे हैं ना, उतने में तो भाई हम लोग का कब का कभी का मतलब सफाया हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो आप लोग भी अपनी चारों तरफ प्लीज अपने थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि पोल्यूशन वोल्यूशन का कम किया करिए, और कोशिश यही किया करिए कि भाई देखो एक चीज ही रखना जानो कि अगर अपनी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत हो तो भाई यार तब तो जीना बेकार है यार, है ना। तो वही चीज है इधर, चलिए फटाफट से दूसरा मोड चालू करते हैं, कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया मैंने आज सर ये क्या भाई। हाँ तो कैसे चलिए फटाफट से दूसरा मैच खेलते हैं। किधर गया ये रहा, ये रहा, या चलो तो कैसे देखिए जैसे इस गाड़ी को हमने बेसिक, और देखिएगा इधर सच्ची बताऊं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, है ना, पर अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो पहुंचने तो भाई यार तब क्या ही कर सकते हैं, पर मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है भाई। जो चीज रियलिटी है आप तो कोई चीज को आप मानने या ना मानने से आप नहीं मानोगे तो वो चीज बदल नहीं जाएंगी, जो चीज रियलिटी है वो है। ओह वाह मतलब वो वाव नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, मतलब ये हाँ मतलब ठीक है अच्छा, हम लोग तरीके से चल के आ रहे थे, पीछे पीछे आगे वाले हम नहीं थे। चालू करते मैच को अपनी यही, अब लो इसमें यार देखो गाइस ऑडी का भी रियलिटी में मैंने चेक भी किया कि क्या रियलिटी में ऑडी ट्रॉन आ गई है, लेकिन गाइस ऑडी ट्रॉन आरएस मतलब R8 जो है ये R8 मॉडल है जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2023 में ही। भाई यार चलो दौड़ के चलना पड़ेगा। आई थिंक गाइस यार ये जो है ना ये ऑडी की R8 है पेट्रोल वाली, चलो 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 अब हम लोग आगे जाएंगे ना, चल भाग ले यहाँ से बेटा, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, तू भी निकल ले गाइस, उसका दरवाजा वरजा खुल गया भाई। चल भाई फटाफट से तेजी से चलते हैं, बड़ा तेज चल रहा है। अबे ये कौन सी ये क्या नाम है उसका यार, वो वाली गाड़ी है ना ये मिस्टर बीन नहीं कहता कौन है, हाँ मिस्टर बीन ही शायद है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मतलब, तो भाई मिस्टर बीन जो गाड़ी चलाते थे वही वाली गाड़ी है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, अरे अरे भाई 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 ठोक मत जाइए भाई, बस चलो कैसे एकदम बस स्लो भाई थोड़ा सा चढ़ा देते हैं भाई यार एकदम, ए भाई वैसे गाड़ी को जो थोड़ा सा तेजी से दौड़ाने में जो मजा आता था ना वो यार वो तो एस्पेक्ट नाइट्रो में ही आता था, इसमें अंदर भी जरूर आएगा, अभी हम लोग उतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं ली हैं। वैसे कमेंट करो फटाफट से, है ना, आप देखो मैं इसके अंदर भी जरूर पूरा का पूरा खरीद दूंगा। आगे बढ़ते हैं,
तो गाइस यार एक पूरा ये कौन सा रास्ता है भाई, मैं मैप में देखता देख पा रहा हूँ, मुझे लगा ऐसे गोला करके जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है चलो 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 चलो। तो गाइस फिनिश लाइन आ चुका है, अभी हमें इतना गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि हम लोग जीतेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। एक मिनट ओ भाई भाई मुझे लगा ये फिनिश लाइन है कसम से, लेकिन फिनिश लाइन आई थिंक नीचे होगी भाई। ये ट्रेन खड़ी थी, मुझे लगा सामने जाएगा ये कसम से। कोई बात नहीं गाइस यार, भाई ये गाड़ी है मैं जो देख मैप में देख पा रहा हूँ बहुत तेज आ रही है अपने पास भाई, कभी भी मामला हो सकता है भाई। क्या होता है आगे चल के लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हम लोग जीत गए भाई, आप एक ना एकदम बहुत सिंपल सा रेस था है ना, रेस तो यार वो पिछली बार वीडियोस में जो मजा आया था भाई एकदम इतना सा था, वो गाड़ी ऐसे ठुक गई और हम लोग जीत गए। अगर वो नहीं ठुकी होता तो घिसते घिसते उसको जिता देते भाई यार। चलो दूसरा मोड खेलते फटाफट से। ओके okay. नेक्स्ट करते हैं फटाफट से। वैसे यहाँ पर कुछ मिला अपने लोगों को क्लेम कर लेते हैं। ए ये सब छटाओ यार, खेलना है अपने को। हटाओ हाँ चलो। वैसे एक मोड और है यहाँ पे, इसको खेलते फटाफट से। ठीक है ऑडी आर एस ई-ट्रॉन भाई यार, ऐसा गाड़ी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता ना ऑडी ने, ना कभी पब्लिकेशन और ना मैंने कोई वीडियो पे देखा कि ऑडी आर एस ई-ट्रॉन, ये मैंने यही देखा है पहली बार है ना। थोड़ा बाल वगैरह सेट कर लें, हाँ अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ नीचे आप कमेंट करके बताइए भाई देखो कोई फालतू कमेंट मत करना मेरे ऊपर। वैसे रेस चालू हो चुकी है, फटाफट से चलते हैं। ये गया कैडिलैक, अरे चल बेटा। बस अभी हम लोग फिफ्थ पोजीशन के अंदर, अरे भाई वो बस में घुस गया यार एक मिनट चल बाकी यहाँ से भाई इसका, लेकिन गाड़ी ठोकने के बाद इसका अलग ही वो होता है। ये सामने ये जो ये वाली इलेक्ट्रिक कार है ना, ये निशान की आई थी मेरे हिसाब से, निशान ही रेनॉल्ट 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 ही कहते हैं ना भाई, जो भी कहते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग रहता है ना। और भाई यार अभी आपने अगर देखा तो यहाँ पे देखा पीछे लिमोजिन जा रही थी। चल मुन्नी इसको ठोकूंगा मैं, इधर बेटा इधर आ इधर आ। ये हम लोग 2 सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं भाई, मैं थोड़ा सा इधर ध्यान नहीं दिया। और चलो चलो ना साइड हो जा ये, अरे अरे पता नहीं क्या नाम था यार इस गाड़ी का, मैं नाम भूलना, बहुत अच्छा नाम था यार भाई, हम लोग ज्यादा कुछ घुमा दिया गाड़ी को। चलो 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 चलो, अरे भाई हम लोग थोड़ा सा अपने बाल के चक्कर में पड़ गए हैं और हम लोग यहाँ ठुक चुके हैं, कोई बात नहीं आगे चलते हैं सॉरी सॉरी ओके। ऐसे लंबे समय तक ये चलेंगे है ना, ज़्यादा ऐसा वो लगाने का भी क्या मतलब, ये हम लोग रॉन्ग रूट मतलब तो रॉन्ग रूट लेकर के हम लोग गलती कर दी शायद मेरे हिसाब से, क्यों भाई वाकई में बहुत बड़ी। चलो अरे भाई अबे हट यार, हट भाई हट जा सामने से यार। और यार ये ऐसे 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 कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग को हरवा देंगे, थोड़ा से सब बच के रहिए। लेकिन गाइस ऐसी थोड़ी सी चुनौती आ जाने पे भी जीतने का अलग माहौल मजा आता है, यहाँ हम लोग काफी लंबी उड़ान भर के आ चुके हैं। अरे यार ये गाड़ी अपने से आगे निकल चुकी है, पकड़ो इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब मजा आएगा भाई असली।
हम लोग ये लेते हुए चलेंगे। अरे यार फिनिशिंग लाइन सामने है। शिट मैन यार, हम सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले थे यार, ठूक गए फालतू का खामखा। इसको वापस से खेलेंगे भाई यार। वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन यार यही कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलो वैसे हम लोग यहाँ पे फिर से चल चुके आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे 350 कॉइन का है और यहाँ पे 18,525 कॉइन का है। लंदन में इसमें यार ये वाला मैच हो रहा है, इसका आवाज कहाँ गया? अरे भाई आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही भाई। हो सकता है गेम में आ जाए तो मुझे नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं गाइस, गाइस यार पानी, लेट्स सी। इसको थोड़ा सा एक लंबा रूट आया तो इसको चलने देते हैं और हम लोग तब तक चेक कर लेते हैं कि आवाज़ आ रही है कि या नहीं आ रही है। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ वैसे आप लोग को तो आवाज़ सुनाई देगी लेकिन हमें नहीं सुनाई दे रही है, पता नहीं क्यों। तब तक हम लोग इसे नीचे कर देते हैं ताकि हम अच्छे से बात कर सकें, क्योंकि ऐसे हेडफोन लगाने के बाद ना अपनी भी आवाज़ को बहुत कम सुनाई देती है। चल बेटा भाग जाए यहाँ से, इसको भगाओ। हाँ वाह, अरे हम लोग गए क्या? अच्छा वही तो भाई, पूरी एकदम एग्रीशन हम लोग लगा दिए हैं और इसका तो हम लोग पूर्जा पूर्जा अलग कर दिए। पर आप सुन ले, ओह शिट मैन, शिट 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 शिट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भाग जा यहाँ से, मैंने मार दूंगा तुझे, पूर जाएगा मेरे आगे आया तो। चलो इधर फटाफट से, इधर से लेंगे भाई, पिछले वाली गलतियाँ अभी नहीं करेंगे। लेफ्ट से निकलेंगे, लेफ्ट से आगे चलते हैं फटाफट से। तेज चलते भाई, थोड़ा सा 200 स्पीड है यार इसकी, क्या मजा देगी। अरे सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी बस भाई यार। और मैं ये आप लोग से ही निवेदन करूंगा भाई यार, आप लोग की जान सिर्फ आपकी जान नहीं है, आप लोग के माता पिता सबकी जान है, मतलब बहुत लोग की आपकी जान है, सिर्फ आपकी जान अपनी नहीं है। तो गाइस प्लीज थोड़ा सा रोड रोड पे चला करिए, तो थोड़ा सा मतलब ये बात जान लीजिए कि आपके तेज एक्सेलेटर मिटने से आप बहुत तेज नहीं पहुंच पाएंगे। गाइस मुश्किल से आप कितना जल्दी पहुंच जाएंगे, 2 से 3 मिनट। इंडिया रोड ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेज गाड़ी चला लेंगे यहाँ पे, तो प्लीज गाइस थोड़ा सा अच्छे से चला करिए, है ना। और हमारे देश की गाड़ियाँ भी ऐसी होती हैं आपको पता है, एकदम वेस्ट, मर अगर लड़े तो बचने का चांसेस बहुत कम होता है, एक्सेप्ट टाटा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये मतलब कोशिश किया करिए कि आप बहुत मतलब एक लिमिटेड स्पीड में चला करिए। 50-60 इट्स मच मोर वेरी बेस्ट स्पीड आप लोगों को कहीं पहुंचना हो, है ना। हाईवे वे है नो डाउट, आप चलिए अच्छे से, है ना। लेकिन गाइस यार आपको तेज चलने से अगर आपको लगता है कि आप बहुत कूल दिखेंगे, डैशिंग दिखेंगे, हैंडसम लगेंगे, तो पागलपन है। और फिलहाल पागलपन अभी हम लोग करेंगे अगर नहीं जीतना है तो गाइस यार हम लोग फर्स्ट पोजिशन पर आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइस यार मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गाइस यार आप लोग को तेज गाड़ी चलाने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना यार। गेम डाउनलोड कर लो, गेम में चाप के जितना तेज चलाना चलाओ, है ना। लेकिन गाइस यार कोशिश रियल लाइफ में क्या करिए करिए कि यार आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना है, ठीक है आराम से पहुंचो। 2-4 मिनट आप नहीं, आप मोदी जी हैं कि आप देश चला रहे हैं कि भाई यार आप 2-4 मिनट लेट पहुंच जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कोशिश ये किया करिए कि आप लोग थोड़ा सा मतलब अच्छे से गाड़ी चलाइए, है ना। और गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा आता है भाई। मुझे पता है लड़के हैं, लड़के थोड़ा सा जब अपसेट होते हैं तब गाड़ी तेज चलाते हैं, और जब कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो गाड़ी तेज चलाते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है, है ना। अपने घर वालों से बात करिए, काफ़ी अच्छे हैं आपके घर वाले सब लोग, कभी कोई गलत नहीं है भाई। कैसे ये उम्र एक उम्र के बाद आपको ये समझ में आ जाएगी। तो कैसे आज कुछ के वीडियो में शायद कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया, तो देखिए गाइस हाँ ठीक है, मैं आपको कोई होता नहीं हूँ कि आपको ज्ञान देने वाला, पर हाँ एक थोड़ा सा आप मुझे कुछ भी मानते हैं अगर हल्का फुल्का, तो प्लीज़ मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करते वीडियो को पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस मजेदार वीडियो के लिए। और हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।